नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं और आप एक गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। हाल ही में गवर्नमेंट ने एक नई एजेंसी को ग्रीन सिग्नल दिया है। एजेंसी का नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एजेंसी क्या करेगी, आपका SSC, रेलवे और बैंकिंग सेक्टर की बी और सी ग्रुप लेवल की जो जॉब्स हैं नॉन टेक्निकल, उनके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगी। ऑल इंडिया लेवल का रिक्रूटमेंट ये देखेगी। इन तीन एजेंसी के ऊपर में एक कॉमन ये टेस्ट कराएगी। इस एग्जाम का क्या काम होगा, ये एग्जाम स्क्रीन आउट करेगा उन बंदों को जो SSC, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, प्री एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो जाते थे तो रिमोट एरियाज में जाके सेंटर्स मिलते थे। जैसे कोई बिहार का रहने वाला है तो उसको गुजरात में मिलता था, गुजरात का रहने वाला है तो उसको बिहार में मिलता था, और कोई यूपी का रहने वाला है तो उसका चेन्नई में एग्जाम हो रहा है। तो ये सारी मोबिलिटी में बहुत सारा कैंडिडेट का खर्चा हो जाता था। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के आने से अब ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट में अपने सेंटर्स बनाएगी, ऑनलाइन ये एग्जाम करेगी। SSC, बैंकिंग और रेलवे का जो प्री एग्जाम है उसको NRA देखेगी। तो होगा कुछ इस तरीके से, जो 10th लेवल के एग्जाम होंगे, जो 10th लेवल की जॉब के लिए एग्जाम होंगे उसके लिए 10th लेवल का CET होगा, जो 12th लेवल के एग्जाम होंगे उनके लिए 12th लेवल का CET होगा, और जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होंगे उनके लिए ग्रेजुएशन लेवल का CET होगा। इसके लिए जो भी कैंडिडेट होगा, या तो उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में सेंटर मिलेगा या तो उसको अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सेंटर मिलेगा, उसको अदर स्टेट में जाना नहीं पड़ेगा। थर्ड थिंग, एक कैंडिडेट इसको अपने लाइफ टाइम में जितने मर्जी टाइम चाहे, जब तक कि सिर्फ इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जब तक कि वो अपना एज ओवर ना हो जाए, जो जिस एज में फॉल करता है, इंक्लूडिंग रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन, एज ओवर एज ना हो जाए तब तक पर एनम दो बार वो इस टेस्ट को दे सकता है। अब होगा क्या, साल में दो बार आप इस टेस्ट में बैठे, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठे, और आपका स्कोर एक में 60 आया, एक में 80 आया, और फिर अगले साल फिर पहली छमाही में बैठे उसमें आपका स्कोर आया 70, तो 60 स्कोर के बाद जब 80 स्कोर आया तो आपका स्कोर 80 कंसिडर होगा। उसके बाद 60 अगर आया तो 60 कंसिडर नहीं होगा, जो हाईएस्ट स्कोर आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसको कंसिडर करेंगे। आपको अलग अलग लेवल्स की जॉब में अलग अलग CET में बैठना होगा, 10th के लिए 10th वाले में, 12th के लिए 12th वाले में, और ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन वाले में। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट का, रेलवे का रेलवे लेवल का होगा, SSC का SSC लेवल का होगा। ये अभी सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया गवर्नमेंट ने, रोड मैप तैयार कर रहे हैं। ये स्कीम एप्लीकेबल होगी 2021 से, इसका पायलटिंग 2021 में स्टार्ट करेंगे। और एक बार आपने अगर कुछ स्कोर किया है एग्जाम में तो उसकी वैलिडिटी स्कोर की 3 साल तक काम करेगी। अब सपोज करिए आपने CET में एक स्कोर बनाया है और आपने SSC का कोई फॉर्म भरा है, तो SSC रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी सारी डिटेल्स आपकी फिल रखती है, या आपने रेलवे टाइप का कोई CET किया है तो आप रेलवे में अगर जा रहे हैं स्क्रीन आउट, तो अभी इसमें एक क्वेरी मेरे पास आई थी। क्वेरी ये थी कि ये प्री इसको कंसिडर कर रहे हैं तो Tier 2 और Tier 3 के लिए बंदा क्वालिफाइड माना जाएगा। उन एग्जाम्स का क्या होगा जिन एग्जाम्स में सिर्फ होता ही एक ही एग्जाम है, मेंस होता ही नहीं है। तो दोस्त ये इस तरीके से काम करेगा, ये एक आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है। जैसे अगर हमें टेट करना है, जैसे हमें CGL देना है तो उसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो एक और क्राइटेरिया लगा दिया। ये क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को स्क्रीन करने के लिए। माना SSC को कैंडिडेट्स चाहिए तो सीरियस कैंडिडेट्स चाहिए, SSC को मिलती है पूरी 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की किसी भी एग्जाम के लिए भीड़, तो उसको स्क्रीन आउट करेगी NRA। उसके बाद SSC को मिल जाएंगे सीरियस कैंडिडेट्स। अब मुद्दा यह है कि अगर 5 साल तक, जैसे रेलवे में अगर 5 साल तक वैकेंसी नहीं आई और ये एलिजिबल कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स हाई हो गए, तो NRA का एजेंडा फेल हो जाएगा, एजेंडा फेल नहीं होगा। इट इज़ वेरी इजी टू स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स, आप उस सर्टिफिकेट में मेरिट हाई कर दीजिए। रेलवे क्या करेगा, अगर बंदे जा रहा हो रहे हैं तो 85 स्कोर वाले को बुला लेगा, तो भीड़ को छांटना बहुत ही आसान हो जाएगा, सीरियस कैंडिडेट्स मिलेंगे और बहुत ही आसानी हो जाएगी रेलवे, SSC और बैंकिंग रिक्रूटमेंट एजेंसीज के लिए सीरियस कैंडिडेट्स को बुलाने का। इस एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और नेगेटिव मार्किंग रही या नहीं रहेगी वो डिपेंड करेगा कि किस डिपार्टमेंट के एग्जाम को ये NRA कंडक्ट करा रही है। अब मेंस में स्कोर आपका कैलकुलेट होगा या इसको क्वालिफाई रखेंगे, ये डिपेंड करेगा SSC, रेलवे और बैंकिंग अपने रिक्रूटमेंट के जो नोटिफिकेशन है वो निकालेंगे
कि ये सिर्फ इसको क्वालिफाइंग कंसिडर करेंगे या इसके मार्क्स को, स्कोर को आगे एड अप करेंगे इन द फाइनल कट ऑफ। तो फिलहाल के लिए एसएससी बैंकिंग और रेलवे पे है, इसके लिए आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। एक सर्टिफिकेट आपका 10th का, एक सर्टिफिकेट आपका 12th का, एक सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन लेवल सीईटी का आपके पास आ जाएगा। अब जैसे ही ये तीनों एजेंसी बी सी लेवल की कोई जॉब निकालती है नॉन टेक्निकल, उसके लिए ये खुद ही फॉर्म में आपसे डिमांड करेंगे कि आपके पास सीईटी का क्वालिफाइंग या इस स्कोर का सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर सर्टिफिकेट है तो आप एग्जाम में बैठ पाएंगे, सर्टिफिकेट नहीं है तो एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। आशा करता हूँ आपके जो क्वेरीज है सीईटी को लेकर वो सॉल्व हुई होंगी। बाकी कमेंट बॉक्स में देखेंगे, कोई अगर क्वेरी रह गई है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये अभी इन्हीं तीनों एजेंसी का है। अगर आप सोचे यूपीएससी का या किसी अदर एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का जो टेक्निकल है, या कोई रेलवे का भी अगर टेक्निकल एग्जाम है उसको ये क्वालिफाइंग बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये फ्यूचर में उनको इंक्लूजन कर सकते हैं, फिलहाल के लिए ये तीन का ही है। पायलट प्रोजेक्ट भी 2021 में होगा और तब देखेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद माय फ्रेंड्स।